तो अभी मैं निकल चुका हूँ कुछ खाने के लिए, कुछ खाना ढूंढने के लिए, और क्योंकि आज शाम को रात को यहाँ पर पार्टी होने वाली है। तो वाओ, यहाँ पर अगर आपको थेरेपी करानी है तो आइए, यहाँ पे एक्यूप्रेशर वैक्यूप्रेशर करते हैं। ओ वाओ, कितना ब्यूटीफुल बन रहा है यार ये कैफे। और देखिए भाई साहब, देखा यहाँ पर योगा स्कूल है, अगर आप भी योगा करना चाहते हो तो यहाँ पर आइए, और यहाँ पर इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है सारी। और यहाँ पर लगी हुई है छल्ली कॉर्न, आई शो यू भाई। ये गांव है, गांव छोटा सा, और यहाँ पर है योगा क्लासेस। हाय भाई, देखो कितनी ब्यूटीफुल शॉप्स हैं। आप कश्मीर से हो भैया? पुष्कर से। वाओ, वेरी टैलेंटेड राजस्थानी पीपल, टेक केयर। ये देखिए दोस्तों, छोटा सा प्यारा सा, कितना कलरफुल गांव है यार ये। वाओ, यहाँ पर जगह जगह आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि कूड़े का प्रयोग, कूड़ेदान में डालिए। और ये देखिए, यहाँ पर इजरायली लोग सीख रहे हैं कुछ टेक्निक्स किस तरह से। ये देखो, यहाँ पर अंदर लड़कियाँ बैठ के कुछ सीख रही हैं हैंडक्राफ्ट का। और यहाँ पर है म्यूज़िक स्कूल, ये देखिए जोली म्यूज़िक स्कूल है। मतलब आर्ट और आर्टिस्ट आपको हर मोड़ पर मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए कितना ब्यूटीफुल सा ये छोटा सा गेस्ट हाउस बना हुआ है। और इस तरह से जगह जगह आपको कुछ ना कुछ ये साइन बोर्ड्स मिलते रहते हैं। ये देखिए, ओ वाओ, हेलो पपीज। और यहां पर है एक बोधी ग्रीन कैफे, इनका गोवा में भी है ब्रांच। वाह, छोटी छोटी गलियां बट बहुत प्यारी प्यारी कलरफुल। और ये देखिए, एक चीज़ आपको और बताता हूँ, इजरायली लोग जो आते हैं यहाँ पर गोल्ड स्मिथ का, सिल्वर का काम इनको सीखने में बहुत अच्छा लगता है। अभी देखते हैं कि ये मेरे को पहचानते हैं कि नहीं। हाय, क्या बात है भाई, पहचान लिया यार कसम से। और कैसे हो? Very good. और भैया कहाँ है? भाई घर पे। और भाई को मैं मिला था 4 साल पहले। क्या हो रहा है? अरे मैं व्लॉग्स बनाता हूँ। अच्छा, क्या बात है। हाँ, और भैया की एक ब्रांच गोवा में भी है, आई डोंट नो अभी है कि नहीं है, भैया से पूछते हैं। ये है बोधी ग्रीन। भैया अभी गोवा में आपकी ब्रांच है? हाँ, सीजन में चलती है ना? हाँ सीजन में। ओके, तो सीजन में गोवा में भी इनकी ब्रांच ओपन रहती है। तो ये है इनका ब्यूटीफुल सा छोटा सा कैफे, और अमेजिंग। यहाँ पर हमने बहुत सारी पार्टीज़ करी हुई हैं, वी हैंग आउट हेयर। और यहाँ पे भाई जो महफिलें जमती हैं, भाई कतई खतरनाक। और देखा तुम्हारा भाई यार, ऐसे थोड़ी यार, कुछ तो लोग जानते हैं। और क्रिस्टल शॉप, और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप आओगे आपको पता नहीं चलेगा कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। ये देखो भाई, पूरे पोस्टर्स लगे हैं, कहाँ पर योगा हो रही है, कहाँ पर पार्टी हो रही है, कहाँ पे मेडिटेशन हो रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको हीलिंग है, चक्रास के बारे में, लाइक फूड एंड सो मेनी नॉलेजेबल थिंग आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। हेलो, सलाम। हेलो, खूबसूरत लोग हैं यार, ब्यूटीफुल। वहाँ देखिए क्या नज़ारा यार, वाओ मज़ेदार। और इस तरह से यहाँ पर गेस्ट हाउस बने हुए हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ पर आपको 500 रुपये से लेके 1500 रुपये तक का आपको यहाँ पे रूम भी मिल जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता। ये देखिए, ये गेस्ट हाउस बना हुआ है, बीच में खेत, और ये छोटा सा रास्ता, बस आपको यहाँ से चल के जाना है भाई। और अगर आपको स्टोन्स पसंद है तो आप आइए यहाँ से स्टोन्स लीजिए। शायद अंदर क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं। तिब्बतियन किचन, आई रियली वांट टू ट्राई तिब्बतियन फूड, बट अभी नहीं,
अभी अभी मन कर रहा है यार कुछ तगड़ा सा कुछ देसी स्टाइल में इंडियन खाना खाया जाए। हेलो, बहुत प्यारे लोग हैं यार, सब लोग आपको अच्छे से मिलते हैं यहाँ पर, ईगो की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या खूबसूरत गलियां हैं यार, अभी देखते हैं कुछ खाने के लिए अगर मिलता है तो, नहीं तो फिर वापस जाना पड़ेगा तिब्बतियन। इस तरह से छोटे छोटे कैफेज बने हुए हैं भाई, देखो कितने खूबसूरत हैं यार ये कैफेज। सामने खेत, छोटे छोटे गेस्ट हाउस और ये यहाँ पर बने हुए हैं कैफे। ओके, तो भाई ये 3 दिन मुझे अब समझ में आ गया कहाँ इसका सही इस्तेमाल करना। यहाँ पर टैटू शॉप भी है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई देयर। ये देखिए यहाँ पर कितने खूबसूरत कैफे बने हुए हैं और सब लोग बाहर बैठ के चिल कर रहे हैं। और यहाँ की सबसे खूबसूरत बात क्या है कि किसी भी एंगल से ये इंडिया का हिस्सा नहीं लगता। बहुत छुपा हुआ छोटा सा प्यारा सा ये एक विलेज है धर्मकोट। तो दोस्तों धर्मकोट विलेज आज आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा सा ये विलेज है, ओम कैफे, आप इसको भी गूगल कर सकते हो। हेलो भैया, देखो आप किसी को भी प्यार से बुलाओगे आपको सब लोग यहाँ पे प्यार से बुलाएंगे। और यहाँ है मेरे पीछे मामाज कैफे, चने भटूरे, पाव भाजी, छोले कुलचे सब मिल रहा है यार। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आओगे तो आपको इजरायली फूड ही मिलेगा। अच्छा वो कह रहे हैं चलो फुल पावर। देखो भाई समोसा दही बल्ले, ओ मेरे चटोरो मेरे चटोरो, सब जगह पे हो तुम लोग, वाह क्या बात है। ये रास्ता ऊपर चला जाता है क्योंकि मैं बहुत घूमता हूँ तो मुझे सब रास्तों के बारे में पता है। तो इस बार मैं आपको मेरा फेवरेट विलेज दिखा रहा हूँ। और भाई कितना कलरफुल गांव है यार ये, वाह। शायद ये भी कुछ गेस्ट हाउस टाइप बना हुआ है, आई डोंट नो, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं है ये, टेबल्स लगे हुए हैं। तो कहीं से लगता ही नहीं है यार आप इंडिया में हो, ऐसा लगता है कि आप सच्ची में इंडिया से कट चुके हो। और कितना कलरफुल और प्यारे देखिए भाई, ये छोटा सा गांव है, आप कहीं भी जाओ लोग आपको बहुत प्यार से वेलकम करते हैं भाई। वाह कितना खूबसूरत है यार ये घर, देख रहे हो पुराने स्टाइल का बना हुआ है, इसके ऊपर जो पत्थर की स्लेट होती है वो लगी हुई है। और छोटा सा आंगन, खूबसूरत नज़ारा, और क्या ही चाहिए यार आपको, वाह। तो ये था धर्मकोट विलेज का एक प्यारा सा छोटा सा टूर। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसे लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। तब तक मैं थोड़ा सा खा पी के रेडी हो जाता हूँ क्योंकि उसके बाद फिर शाम को मेरे को पार्टी करनी है। हर तरफ प्यारे प्यारे दोस्त, अच्छे अच्छे लोग और ब्यूटीफुल कैफेज, गेस्ट हाउस और शांति शांति।